Hello friends, welcome to my YouTube channel CSE Tutorials. So JavaScript सीखने की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे यहाँ पर इनर HTML प्रॉपर्टी के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने इनर HTML प्रॉपर्टी के बारे में ही डिस्कस किया था और हमने बोला था कि वहाँ पर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम इनर HTML प्रॉपर्टी का यूज करके डायनेमिकली हम एक HTML फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट एक बटन को प्रेस करने से हम डायनेमिकली HTML फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं HTML का यूज करके मैं यहाँ पर एक बटन बनाऊंगा, जिस बटन को प्रेस करने से फिर हम डायनेमिकली एक फॉर्म क्रिएट जनरेट करेंगे। तो पहले मैं एक बटन बनाता हूँ यहाँ पर, और बटन बनाने के लिए मैं एक फॉर्म यहाँ पर मुझे क्रिएट करना होगा। फॉर्म का नाम मैं यहाँ पर दे सकता हूँ, ठीक है। लेट्स से मैं इसका नाम देता हूँ माई फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्म टैग का यूज करके मैंने एक फॉर्म क्रिएट कर दिया है। अब इसमें हम एक बटन यहाँ पर क्रिएट करेंगे इनपुट बॉक्स का यूज करके, ठीक है, जिसका टाइप हम लेट्स से यहाँ पर बटन दे सकते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू हम यहाँ पर दे सकते हैं जो कि उसका नाम होगा, ठीक है, लेट्स से कमेंट, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक कमेंट बॉक्स होता है, कमेंट फॉर्म यहाँ पर इसको बोल सकते हैं, कमेंट करने के लिए नेम और उसमें नीचे एक कमेंट बॉक्स होगा, तो वो हम डायनेमिकली जनरेट करेंगे। तो इसलिए हम इस बटन का नाम दे रहे हैं कि कमेंट, ठीक है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, क्योंकि मुझे यहाँ पर थोड़ा कफ और कोल्ड है, तो थोड़ा वॉइस में अगर प्रॉब्लम हो तो कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हम ऑन क्लिक इवेंट लगाएंगे कि उस बटन को जैसे ही क्लिक करें तो एक फंक्शन रन होगा जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। जो फंक्शन हम अभी क्रिएट करेंगे, तो ऑन क्लिक इवेंट में हम उस फंक्शन का नाम दे देते हैं जो हम अभी क्रिएट करेंगे, लेट्स से सो कमेंट फॉर्म, ठीक है। मतलब इसको बटन को क्रिएट करेंगे तो वो कमेंट फॉर्म में जनरेट हो जाएगा, उसको शो कर देगा डायनेमिकल, ठीक है। तो इसका फंक्शन का नाम भी हमने यहाँ पर दे दिया है सो कमेंट फॉर्म, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर एक बटन क्रिएट कर लिया है, ठीक। नीचे हम यहाँ पर एक डिवीजन भी क्रिएट करेंगे जिसमें हम उस फॉर्म को जनरेट करेंगे, ठीक है। तो एक डिव टैग का यूज करके मैं यहाँ पर डिवीजन क्रिएट कर देता हूँ। इसका आईडी का नाम हम कुछ इसको असाइन कर देते हैं ताकि इसको हम फर्दर एक्सेस कर लें। से मैं इसकी आईडी दे सकता हूँ माई लोकेशन, ठीक है। तो इस डिव टैग में हम इस बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर इस डिव टैग में हम डायनेमिकली एक फॉर्म जनरेट करेंगे, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में एक पैराग्राफ इंसर्ट किया था, ठीक है। इसी तरीके से अब हम यहाँ पर फॉर्म जनरेट करेंगे, ठीक है। मेथड वही है सिंपल, उस लास्ट वीडियो में हमने पैराग्राफ टैग का यूज किया था, यहाँ पर हम कंप्लीट फॉर्म का HTML कोड होता है वो लिख देंगे, ठीक। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की, जिसमें हम यहाँ पर फंक्शन बनाएंगे सबसे पहले, और फंक्शन का नाम हम वही देंगे जो हमने यहाँ पर सो कमेंट फॉर्म, ठीक है, ये सेम होना चाहिए जो हमने यहाँ पर दिया है ऑन क्लिक इवेंट पे, ठीक। तो इस फंक्शन में अब हम वही करेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, डेटा नाम का वेरिएबल बनाएंगे। अब इसमें हमने लास्ट टाइम पे अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पर सिंपल पैराग्राफ टैग यूज किया था, ठीक है, पी टैग का यूज किया था हमने यहाँ पर, ठीक, इस तरीके से। तो वो पैराग्राफ वो जो डिव टैग में ऑटोमेटिक जनरेट हो गया था, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब की बार हम इसमें पूरा कंप्लीट यहाँ पर जो फॉर्म हम क्रिएट करेंगे उसका HTML कोड यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है। कंप्लीट यहाँ पर HTML का कोड आप लिख सकते हैं, जो भी आप जनरेट करना चाहते हैं कंप्लीट यहाँ पर HTML का कोड आप लिख सकते हैं। तो अभी हम फॉर्म जनरेट करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर एक फॉर्म क्रिएट करूँगा, ठीक है। सिंपल यहाँ पर इनपुट बॉक्स, सॉरी एक नेम
इनपुट टैग का यूज करके और एक यहाँ पर मैं टेक्स्ट एरिया का यूज करके मैं कमेंट के लिए बॉक्स बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले नेम, ठीक है, कमेंट कर रहे हैं तो उसका नेम सिंपल मैं यहाँ पर एक इनपुट बॉक्स का यूज करके नेम के लिए बना दूंगा इनपुट बॉक्स, ऐसे ही मैं कमेंट के लिए टेक्स्ट एरिया का यूज करके कमेंट बॉक्स बना दूंगा, ठीक है। सो इसका टाइप मैं यहाँ पर दूंगा, यहाँ पर लेट्स से टेक्स्ट, ठीक है, और नेम यहाँ पर मैं दे सकता हूँ लेट्स से नेम, ठीक है, बस। और फिर मैं यहाँ पर br टैग का यूज करूंगा ताकि लाइन ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान रखें, हमने यहाँ पर डबल कोट्स यूज किया है तो अब यहाँ पर आपको सिंगल कोट यूज करना होगा, ठीक है, सिंगल कोट्स, अगर डबल कोट्स यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर अंदर अब आपको सिंगल कोट्स का यूज करना है, ठीक है। तो ये सिंपल हमने क्या किया, एक नेम के लिए इनपुट बॉक्स बना दिया, ठीक है, फिर br टैग का यूज कर दिया। अब br टैग का यूज करके हम यहाँ पर नीचे एक कमेंट के लिए टेक्स्ट एरिया का यूज करके कमेंट बॉक्स बना देंगे। सो मैं लेट्स से यहाँ पर कमेंट, ठीक है, और कमेंट के बाद अगेन मैं एक br टैग यूज कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर अब मैं सिंपल टेक्स्ट एरिया का यूज करूंगा, ठीक है, और इसका यूज करके मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट एरिया यहाँ पर बना दूंगा, ठीक है। इस टेक्स्ट एरिया की प्रॉपर्टी होती है जैसे रोज और कॉलम, ठीक है, ये हम ऑलरेडी HTML वाली सीरीज में डिस्कस कर चुके हैं। रोज में लेट्स से 5 प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है, और इसी तरीके से मैं कॉलम्स यहाँ पर लेट्स से मैं 80 प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये टेक्स्ट एरिया क्रिएट कर दिया हमने, ठीक है। अब टेक्स्ट एरिया नेम, हमने नेम के लिए इनपुट बॉक्स क्रिएट कर दिया, फिर br टैग का यूज करके टेक्स्ट एरिया हमने क्रिएट कर दिया, फिर हम फाइनली br टैग का यूज करके एक बटन बना देंगे सबमिट, ठीक है, कमेंट करने के बाद सबमिट का एक बटन बना देंगे। तो br टैग का यूज करके यहाँ पर मैं एक सबमिट बटन और बना देता हूँ। तो इनपुट टैग का यूज करेंगे बटन क्रिएट करने के लिए, ठीक है, इनपुट टाइप इक्वल्स लेट्स से सबमिट, ठीक है, क्योंकि हम बटन बना रहे हैं सबमिट बटन, और उसकी वैल्यू हम प्रोवाइड कर देंगे यहाँ पर पोस्ट कमेंट, ठीक है, क्योंकि कमेंट पोस्ट कर रहे हैं तो उस बटन का नाम हम पोस्ट कमेंट कर देंगे, ठीक है। तो सिंपल हमने यहाँ पर, अगर मैं इस डबल कोड्स के अंदर बात करूँ तो डबल कोड्स के अंदर जो मैंने ये कोड लिखा है, ये सिंपल क्या किया, मैंने सबसे पहले एक नेम के लिए इनपुट बॉक्स बनाया है, फिर br टैग का यूज करके टेक्स्ट एरिया के लिए कमेंट बॉक्स बनाया है, फिर br टैग का यूज करके मैंने एक सबमिट बटन बनाया है, ठीक है। उन सब को, इस पूरे HTML कोड को हमने डबल कोड्स के अंदर यहाँ पर लिख दिया है, ठीक। तो अब हम div टैग का यूज करके, उस div टैग को एक्सेस करके उसकी इनर HTML प्रॉपर्टी का यूज करके हम ये वैल्यू सेट कर देंगे उसमें, ठीक है। तो अब सिंपल हम यहाँ पर लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी, और इस एलिमेंट की आई डी क्या है वो हम यहाँ पर लिख देंगे, लेट्स से माई लोकेशन, ठीक है। अब इसकी इनर HTML प्रॉपर्टी का हम यूज करके इसकी वैल्यू हम सेट कर देंगे डेटा के इक्वल, जो कि इस वेरिएबल में हमने कमेंट के लिए फॉर्म बनाया, वो सिंपल इस वेरिएबल में स्टोर किया हुआ, तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पर सेट कर देंगे। तो अब आई थिंक ये यहाँ पर प्रॉपर वर्क करना चाहिए। अगर मैं इसको सेव करके और एक बार मैं यहाँ पर इसका आउटपुट चेक करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पर देखेंगे बटन यहाँ पर क्रिएट हो गया है, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर बटन क्रिएट किया है। अब इस बटन को क्लिक करेंगे तो ऑन क्लिक इवेंट से ये फंक्शन रन होगा, और ये फंक्शन रन होगा तो ये यहाँ पर उस div टैग की इनर HTML प्रॉपर्टी का यूज करके उसमें उसकी वैल्यू डायनेमिकली, जैसे ही बटन प्रेस करेंगे तो ये HTML फॉर्म वहाँ पर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। सो अगर इसको मैं प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर सिंपल यहाँ पर कमेंट के लिए यहाँ पर एक फॉर्म क्रिएट हो चुका है, जिसमें हम नेम प्रोवाइड करेंगे, कमेंट प्रोवाइड करेंगे, और यहाँ पर सबमिट बटन होना चाहिए था,
तो इसमें हमने कुछ गलती की है, तो यहाँ पर हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर एक बटन बनना चाहिए, ठीक है। इनपुट टाइप इक्वल्स, यहाँ पर हमने सबमिट लिखा है बट इसको यहाँ पर हमने क्लोज नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर सिंगल टैग्स लगा देने, दोनों हमने यहाँ पर क्लोज नहीं किया इसको। तो टाइप इक्वल्स सबमिट हो गया, उसका वैल्यू हमने पोस्ट कमेंट यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। सो आई थिंक अब ये यहाँ पर बटन शो कर देगा, ठीक है। तो मैं इसको क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर नेम और कमेंट और पोस्ट कमेंट, मतलब कि डायनेमिकली यहाँ पर एक फॉर्म हमने जनरेट किया है, ठीक है। तो ये कैसे रन हो रहा है आई थिंक आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा। सिंपल है, पहले हमने बटन क्रिएट किया जिसपे ऑन क्लिक इवेंट लगा दिया है, और ऑन क्लिक इवेंट जैसे ही बटन क्लिक होगा तो ये फंक्शन यहाँ पर रन हो जाएगा, और ये फंक्शन रन हो जाएगा तो जो डिव टैग है उसकी इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी में ये एचटीएमएल का कोड है उसको ये सेट कर देगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आप इस तरीके से कंप्लीट एचटीएमएल का कोई भी कोड यहाँ पर लिख करके इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी का यूज करके उसको यहाँ पर असाइन कर सकते हैं, तो डायनेमिकली वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो यहाँ पर पसंद आई होगी, और आपको ये इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी अच्छे से अब यहाँ पर समझ आ गई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोज और ट्यूटोरियल्स यहाँ पर मैं अपलोड करता रहता हूँ। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स मैंने वहाँ पर अपलोड किए हुए हैं, तो आप एक बार मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को भी विजिट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।